नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बिहारी बिहार के बॉर्डर पर बसों से पहुंच रहे हैं या फिर पहुंच चुके हैं उनको वहीं पर रोक दिया गया है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है अभी, बिहारियों को जो बाहर से बसों के सहारे बिहार पहुंच रहे थे या फिर बिहार बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, उनको रास्ते में हैं, उनको रोका गया है। आपको बता दें कि उनके लिए बॉर्डर पर ही ठहरने की व्यवस्था की गई है, उनका इलाज भी वहीं होगा। गृह सचिव आमिर सुबहानी ने ये बयान दिया है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन को आखिर तक सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें कही हैं आमिर सुबहानी ने, जो गृह सचिव हैं। इस दौरान बिहार में किसी को आने की इजाज़त नहीं होगी। गृह सचिव आमिर सुबहानी ने यह बयान दे दिया है कि अगर आप बिहार के बाहर से आ रहे हैं और आप बिहार के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं तो आपको बिहार के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, टोटल लॉकडाउन को फॉलो किया जाएगा। गृह सचिव आमिर सुबहानी की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है, तो उनको वहीं रोक दिया गया है, वो बिहार में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप बिहारी भी हैं तो आपको बिहार में अब एंट्री नहीं मिलने जा रही है। गृह सचिव हैं आमिर सुबहानी, उन्होंने ये बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि उनके ठहरने की व्यवस्था वहीं होगी, बॉर्डर पर ही होगी और उनका इलाज भी वहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए हमने हर जिले के लिए 3 से 5 हज़ार तक लोगों के रहने और ठहरने के साथ साथ खाने की व्यवस्था की है। बिहार के गृह सचिव का ये बयान है, तो कुल मिलाकर के साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो लोग बसों से बिहार के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं या फिर जो रास्ते में हैं, यानी कि जो पहुँचने वाले हैं, हमने उनके बॉर्डर पर ठहरने की व्यवस्था कर दी है। बिहार सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है, उनका इलाज भी वहीं होगा। गृह सचिव आमिर सुबहानी का यह बयान है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर के बिहार में जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में तमाम लोगों की एंट्री को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसों से भर भर के बिहार भेजने की बात कही और जब काम शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं होगा, इससे जो क्वारंटाइन जोन बनाया गया है या फिर जो लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं उनको बड़ा खतरा हो सकता है। तो अब ये कदम उठा लिया गया है कोरोना वायरस को लेकर के, जो लोग बिहार के बॉर्डर पर सरकार की तरफ से रखे गए हैं वो लोगों का काम है अब कि वो लोगों को रोके, उनकी एंट्री बंद कर दी गई है। चाहे कोई भी हो, बिहार में अब एंट्री नहीं हो सकती है, उनका इलाज वहीं पर होगा। 3 से 5 हज़ार लोगों की हर जिले में ठहरने का इंतज़ाम नीतीश सरकार की तरफ से किया गया है। तो कुल मरीजों की संख्या 11 पहुंच चुकी है, एक की मौत हो चुकी है और बिहार में लगातार कोरोना कहर जारी है। सरकार भी इस लड़ाई में फ्रंट फुट पर खेल रही है और हर चीज़ को, हर एक मामले को तह तक जा कर के समझने की कोशिश और उसके साथ ही साथ उस पर अमल करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि घरों में रहिए, सेफ रहिए और इधर उधर मत जाइए। आप लाइव सिटीज़ की इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।